हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एलकेजी का सिलेबस लेकर आई हूँ। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने बनाई है जिसमें मैंने एलकेजी का सिलेबस दिया था। अब मैं इसका सेकंड टर्म का सिलेबस आपको बताने वाली हूँ कंप्लीट। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेती हूँ इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश के सिलेबस में सबसे पहले जो आते हैं वो वॉवल साउंड वर्ड्स आते हैं। अब तक जो साउंड वर्ड्स थे वो ए ई आई ओ यू से रिलेटेड थे, जिसमें ए और ई के साउंड वर्ड जो मैंने आपको पहले बताए थे पहली वाली वीडियो में, ए और ई के साउंड वर्ड आते थे। जैसे बी ए टी बैट, एस ए टी सेट, इस टाइप के ए साउंड वाले और ई साउंड वाले वर्ड थे। जैसे एल ई जी लैग, ये वाले थे। अब जो नेक्स्ट टर्म आता है उसमें आई ओ यू साउंड वाले वर्ड्स आते हैं। जैसे मैं आपको इसमें अभी बता देती हूँ, मैं ये देखिए, जैसे आई साउंड वाले वर्ड है, जैसे पी आई एन पिन, बी आई एन बिन, टी आई एन टिन। ओ साउंड वाले वर्ड हैं डी ओ जी डॉग, बी ओ एक्स बॉक्स, पी ओ टी पॉट। यू साउंड वाले वर्ड हैं एच यू टी हर्ट, सी यू पी कप और एम यू टी मर्ड। ये आई ओ और यू साउंड वाले वर्ड्स बच्चों के लिए आ जाते हैं, तीन तीन अक्षर वाले। तो ये एल के जी में है सिलेबस में। और इसके बाद आ जाते हैं फिलप्स। फिलप्स भी यही आते हैं, जैसे पी और आई एन दे दिया तो उसके बीच का आपको भरना है पिन। उसके बाद आता है लुक एंड राइट, यानी देख देख के आपको लिखना है, यानी एक तरफ पिक्चर बना दी जाएगी और दूसरी तरफ आपको देख देख कर लिखना है। जैसे वो भी तीन अक्षर के और वो भी आई ओ और यू साउंड वाले वर्ड्स ही आते हैं, जिसमें देख देख कर आपको बताना होता है। मैं फॉर एन एग्जाम्पल एक बता देती हूँ आपको, जैसे ये है लुक एंड राइट का, जैसे सन, जग, इस टाइप से ये दे रखे हैं, कप, हट, ये सब दे रखे हैं। तो ये सारे यू साउंड वाले वर्ड्स हैं। ऐसे ही ओ साउंड वाले, ऐसे ही आई साउंड वाले वर्ड्स में लुक एंड राइट में आते हैं। नेक्स्ट है मैच करने के लिए, मैच मी। फिर है सर्कल द ऑड वन आउट, जिसमें पहले भी मैं आपको इस ऑड वन आउट की एक पूरी पर्टिकुलर वीडियो मैं बना चुकी हूँ, इसमें आप देखिएगा सर्कल द ऑड वन आउट। जंबल्ड वर्ड आ जाते हैं, वो भी यही आई ओ यू से रिलेटेड होंगे। इसमें आ जाते हैं यूज़ ऑफ इन, ऑन और अंडर, यूज़ ऑफ दिस एंड दैट, वन एंड मैनी, यानी वन का मैनी करना। जैसे बैग दिया हुआ, बैग का बैग्स करना, सिंपल एस लगाना बच्चों को इसमें सिखाया जाता है। अपोजिट वर्ड्स आ जाते हैं, सिंपल अपोजिट वर्ड, जैसे फैट का थिन, बिग का स्मॉल, इस टाइप्स के। यूज़ ऑफ दीज एंड दोज आ जाएंगे। कुछ डिक्टेशन वर्ड्स आ जाते हैं जो आई ओ यू और यू के साउंड वर्ड्स होते हैं, जैसे कि पिन सिखाया बच्चे को, टिन सिखाया या बॉक्स सिखाया, तो ये सब डिक्टेशन में भी आ जाता है और राइटिंग करने के लिए भी आते हैं। तो ये सब आते हैं आपका इंग्लिश का मैटर है। और कर्सिव राइटिंग तो इसकी चलती ही रहती है शुरुआत से ही। ओरल में जो होता है वो इंग्लिश के ओरल में, ये देखिए इंग्लिश ओरल में सारी जितनी भी वो होती हैं पोएम्स वो आ जाती हैं। और स्टोरी टेलिंग एक ज़रूर होती है, वो इंग्लिश में आपको पूरी स्टोरी टेलिंग लर्न होनी चाहिए, इसमें दी हुई है फॉक्स एंड क्रो की या एक सिली गोट की, तो ये होती है स्टोरी टेलिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं हम हिंदी के सिलेबस पे। हिंदी के सिलेबस में क्या होता है, इसमें जो वर्णों का मेल होता है, इससे पहले वाला जो सिलेबस था उसमें दो अक्षरों का वर्णों का मेल था, इसमें तीन और चार अक्षरों का वर्णों का मेल आ जाता है। जैसे कामाला कमल, शाहदा शहद और चामा चामा चमचम, इस टाइप से वर्णों का मेल आ जाएगा। वही खाली स्थान आ जाएंगे भरने के लिए, तीन व चार अक्षरों के शब्द आ जाएंगे, जोड़े मिलाओ, चित्र पहचानो, तीन व चार अक्षरों के प्रश्न उत्तर आ जाते हैं इसमें, और इमला आ जाती है, सुलेख आ जाती है। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ जो मैंने अभी तक बताई है, आपको कोई चीज़ इसका रिटन मेथड चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। इसमें हिंदी ओरल में वही आ जाते हैं सारे, इसकी कविता आ जाती है और एक स्टोरी टेलिंग के लिए आ जाती है। इसमें दी हुई है अटूट मित्रता। तो ये आपका हिंदी का मैटर हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा जीके। जीके में पार्ट्स ऑफ बॉडी आ जाएगा, क्लॉथ्स वी वियर जो हम कपड़े पहनते हैं उसके बारे में, क्लासरूम ऑब्जेक्ट, वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, शेप्स, वर्ड्स नेम, कलर्स नेम, गेम्स, फिलप्स, एन एप्पल, ये सब आ जाएंगे। आर्ट तो सिंपल होती है कि सब बच्चों को कलर उसमें कराया जाता है, वो आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन में व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम,
इन विच स्कूल डू यू स्टडी, इन विच क्लास डू यू स्टडी, हु इज़ योर क्लास टीचर, हाउ ओल्ड आर यू, वैन डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, विच वेजिटेबल इज़ गुड सोर्स ऑफ आयरन, विच फ्रूट इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स, इन विच सीजन डू वी यूज़ एन अम्ब्रेला, हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन रेनबो, वेयर डू वी वॉश आवर हैंड्स, वेयर डू वी थ्रो द वेस्ट, नेम द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, नेम द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक, हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ ईयर, हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, नेम दैम, ये हमारा कन्वर्सेशन में आते हैं. अब आते हैं हम नो योर कंट्री. कुछ क्वेश्चन होते हैं वो कंट्री से रिलेटेड होते हैं, जैसे हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ आवर नेशन, नेम द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नेम द प्रेजेंट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, नेम द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, नेम द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, नेम द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, नेम द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, नेम द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया. तो ये कंट्री के बारे में होता है. नेक्स्ट हम चलते हैं कंप्यूटर. तो कंप्यूटर में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीडी, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, हाउ मैनी बटन्स आर देयर ऑन अ माउस, नेम फाइव प्लेसेस वेयर कंप्यूटर इज़ यूज्ड, हाउ मैनी कीज़ आर देयर ऑन अ कीबोर्ड, व्हाट वर्ड इज़ यूज्ड फॉर अ पोर्टेबल कंप्यूटर, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर. तो ये सारे कंप्यूटर्स में आते हैं. अब नेक्स्ट आता है मैथ्स. मैथ्स में काउंटिंग जो होती है वो आ जाती है 1 से लेकर 300 तक. इससे पहले जो सिलेबस में थी वो 200 तक थी, अब 300 तक आ जाएगी काउंटिंग. बैकवर्ड काउंटिंग आ जाएगी 50 से 0. नंबर नेम आ जाएंगे, यानी ओ एन वन टी डब्ल्यू और टू नंबर नेम आ जाएंगे 20 तक. काउंट एंड राइट, यानी काउंट काउंट कर करके बतानी है कितने नंबर्स हैं ये. मिसिंग नंबर आ जाएंगे, जो भी बीच का मिस नंबर होता है वो उसे बताना है. व्हाट कम्स आफ्टर एंड बिटवीन, के बीच में क्या क्या आएंगे वो बिटवीन नंबर बताना है. पुट द करेक्ट साइन, ये ग्रेटर देन वाला साइन लगाना है. 1 से लेकर 100 तक के बताने हैं. मैच द पिक्चर विद नंबर नेम, नंबर नेम के साथ पिक्चर मैच करनी है. एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आ जाते हैं इसमें. एडिशन बिल्कुल सिंपल वाले आते हैं, 2, 2, 4, 4, 3, 7 इस टाइप से आते हैं, बिल्कुल सिंपल वाले. टेबल इसमें 1 एंड 2 की आ जाती है. टेंस एंड वंस आ जाते हैं, कुछ डॉजिंग नंबर आ जाते हैं यानी इमला. और काउंटिंग आ जाएगी आपके ओरल में कि 250 तक काउंटिंग याद होनी चाहिए. बैकवर्ड काउंटिंग 50 से 0 तक होनी चाहिए. और यहाँ पर आ जाएगा नंबर नेम 1 से लेकर 20 तक, मतलब ओरल में याद होना चाहिए. और टेबल 1 एंड 2 का ओरल में भी लर्न होना चाहिए. तो ये पूरा LKG का सिलेबस है जो मैंने अभी आपको बताया है, तो आप इसे देख सकते हैं. और अगर आपको कुछ भी चीज़ें से रिटेन में चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इसे बताऊँगी कि रिटेन में मैं आपको बता दूँगी या दे दूँगी या इसकी एक वीडियो नेक्स्ट बना दूँगी. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.